दोस्तों, आज हम आपको हैप्पी न्यू ईयर के वीडियो स्टेटस बनाने के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो काइन मास्टर में आ जाते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट 16x9 का साइज़ ले लेते हैं। मीडिया में जाते हैं और एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैक कलर की, जिस पे हम वर्क करेंगे। इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, इतना ठीक रहेगा। जितना लंबा वीडियो बनाना चाहो उतना लंबा इसको रख लेना। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं, जो भी हमें लिखना है। हैप्पी न्यू ईयर, ये हमने लिख लिया है। दो हजार बाईस। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे साइज को, और जहाँ भी इसकी पोजीशन ठीक लगेगी यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं जो बिल्कुल न्यारा दिखाई दे, और ये शायद ऊपर ठीक रहेगा। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं अपने सेटिंग के मुताबिक। अब इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट देते हैं स्टिकर में जाके। ये स्टिकर मैंने डाउनलोड कर रखे है भाई, पहले ही जैसे हैप्पी न्यू ईयर है तो इसके लिए कुछ आतिशबाजी वाला स्टिकर अच्छा रहेगा। तो अब हम इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें बेस्ट लगेगा। ये लिस्ट दे रखी है, ये सही लग रहा है, तो हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के नीचे भी रख सकते हैं, ये यहाँ पे ठीक रहेगा। सही ब्लिंक कर रहा है ये भाई, पटाखे चल रहे हैं इसमें। ये अलग अलग इफेक्ट है, ये सही है, हल्की हल्की चिंगारी सी लग रही है जैसे सेलिब्रेशन में होता है। नीचे से बैकग्राउंड भी प्लेन आ रहा है, और इसको थोड़ा सा ऐसे इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे इसको, क्योंकि वीडियो कम से कम 5-6 सेकंड का तो होना ही चाहिए भाई। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और ये जो आतिशबाजी वाला था बैकग्राउंड, इसको भी बढ़ा देते हैं टाइमलाइन को। और देखो अब इसमें ये देखो, हमारे पास बहुत ऑप्शन मौजूद है दोस्तों, हम जैसे चाहे स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको डेमो दिखा रहे हैं, आप इससे अच्छा भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मकसद आपको सिखाना है भाई। ये देखो, जैसे आप फॉन्ट यूज करोगे, जैसे आप स्टिकर यूज करोगे। अब इसमें से एक अपनी इमेज उठा लेते हैं जो हम इसके साथ में लगाएंगे। इसको हम खींच के साइड में ले आते हैं, और अब ये थोड़ा कट रहा है, फोटो छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें टेक्स्ट को इधर करना पड़ेगा। पहले इस एनिमेशन को रख देते हैं इधर बिल्कुल साइड में, और इसके बाद में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर, इसको भी बिल्कुल अब आधे पोर्शन में आ जाएगा ये स्टिकर और हैप्पी न्यू ईयर। एक बार फिर दिखाते हैं, ये देखो, अब फोटो हमारा आगे से शुरू हो रहा था, इसलिए हम इसको पीछे ले आते थोड़ा टाइमलाइन में। ये साइज छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसका साइज कितना भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, यदि जूम करोगे तो
बड़ा फ़ोटो आएगा लेकिन नीचे से कट जाएगा, आप चाहो तो पूरा भी ले सकते हो। देखो ये, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमने जो पहले तैयार किया है हैप्पी न्यू ईयर और ये एनिमेशन और बैकग्राउंड, ये नहीं कटने चाहिए भाई। ये सब हमें अब ठीक लग रहा है सर, क्योंकि फोटो में शक्ल भी अच्छी आ रही है और अब ठीक है। अब ये छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, एक बारी फिर देखते हैं प्ले करके क्या रहता है इसमें। देखो सही चल रहा है इफेक्ट, और अब इसमें से और स्टिकर देखते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा हो गया है। जो हैप्पी न्यू ईयर पे जो आतिशबाजी होती है पटाखे वटाखे जलते हैं उसके इफेक्ट देने के लिए हम और सर्च करते हैं यहाँ पे। ये देखो कैंडल्स बर्निंग फायर, ये दो कैंडल्स हैं, ये सही लग रहा है भाई। इसको कोने में रख देंगे, ये भी सही है। वैसे आप अपनी मर्जी से देख लेना जो आपको ठीक लगे, और हाँ वीडियो को एक बारी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपके लिए ऐसी बहुत चीज़ें लेकर आने वाले हैं जो आपके काम की रहेगी, ठीक है। सपोर्ट करा करो भाई ये थोड़ा, और अब इसको देखते हैं, इसको थोड़ा फुल एक्सपेंड कर दिया है ताकि आतिशबाजी बिल्कुल सेंटर में आए। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ऊपर हमने स्टेज लाइट भी लगा दी है। देखो हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। अब साइड में हो गई आतिशबाजी वाले स्टिकर, अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं फिर देखते हैं प्ले करके। ये देखो इसको अब सही लग रहा है बिल्कुल, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए थोड़ा स्टेज लाइट। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं, हाँ स्टेज लाइट काट दिया दोस्तों मैंने, आप चाहो तो लगा सकते हो। मेरा मकसद आपको सिखाने के लिए है, आप चाहो तो इसमें एक आधी और आइटम ऐड कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सोबर और एनिमेशन वाला हो गया है। देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है नीचे से स्पार्कल्स के साथ में। ये देखो अब इसको फालतू को ये ऐसे कर देंगे, इसको थोड़ा साइज ठीक कर देते हैं। ये बिल्कुल फुल स्क्रीन है भाई, यूट्यूब के लिए डेस्कटॉप के लिए फालतू की टाइमलाइन को काट देते हैं। ये जितना भी है इसको स्प्लिट एट प्ले ऐड करके काट देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा वीडियो फिर इससे आगे नहीं चलेगा। 7 सेकंड के लिए कर देते हैं इसको, जो भी फालतू चीज़ें हैं यदि ये छोटी बड़ी रह जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, या तो फिर फोटो रह जाएगा या फिर हैप्पी न्यू ईयर रह जाएगा, इसलिए इनको एक जैसा रखना है बिल्कुल। देखो अब हो गया बिल्कुल, ये थोड़ा सा बड़ा है इसको पीछे कर देंगे। अब देखते हैं, ये देखो हो गया, अब रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इसको यहाँ से ठीक है, थोड़ा सा कट रहा था, ठीक है
अब बिल्कुल इक्वल हो गया है और रेडी टू सेव हो गया है। यहाँ से हम फुल एचडी में सेव कर लेते हैं, फ्रेम रेट 30 FPS का, सही है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि भाई हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है भाई, ठीक है, इसलिए सपोर्ट करना। अभी ये हमारी वीडियो सेव हो रही है और अब हम इसको कहीं पे भी अपने स्टेटस पे भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप के पास या किसी के पास सेंड कर सकते हैं। फुल HD क्वालिटी में है ये, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए भाई जय हिंद।